हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी तक हमने एस्टिमेटिंग नंबर्स का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, देयर आर टू यूनिवर्सिटीज़ इन अ सिटी। नेहरू यूनिवर्सिटी हैज़ 37,856 स्टूडेंट्स एंड अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हैज़ 19,857 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ यूनिवर्सिटीज़। इट मीन्स एक सिटी में क्या है, दो यूनिवर्सिटीज़ है और एक का नाम है नेहरू यूनिवर्सिटी और दूसरा है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेहरू यूनिवर्सिटी में टोटल स्टूडेंट है 37,856 एंड अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं 19,857। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना, फाइंड आउट करना है कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ को मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन नेहरू यूनिवर्सिटीज, नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है 37,856। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कितने हैं, 19,857। सो हमें टोटल नंबर निकालना है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ यूनिवर्सिटीज़, सो दोनों के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37,856 प्लस 19,857। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 + 7 13 का 3 एंड 1 कैरी, 5 + 5 10 एंड 1 11 11 का 1 8 एंड 8 16 1 17 का 7 एंड 1 कैरी, 9 + 7 16 एंड 17 17 का 7 एंड 1 कैरी, 1 + 3 4 + 1 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 57,713। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ऐड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर टू द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि देखिए लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट एक तो होता है स्मॉलेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट में क्या होता है, जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात आए तो आप वो फॉर्म होगी 99 की फॉर्म में, यानी यहाँ 5 डिजिट का पूछा है तो 9 को हम 5 बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 दिस इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट होता है इस फॉर्म में, 1 लिख के 00 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट, सॉरी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट हमेशा हमेशा 9 की फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 5 बार 9 लिख देंगे, एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, दोनों को ऐड करना है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 + 9 18 का यहाँ टोटल लिख देते हैं,
ठीक है, तो 9 + 9 18 का 8, 1 carry 18, 19 9, 1 carry 9 9 18, 1 19, 1 carry 9 9 18, 18 + 1 19 का 9, 1 carry 9 9 18, 19 का 9, 1 carry, then 9 + 1 10. तो आंसर इज 10,99,998. ठीक है, टोटल हमारे पास ये आ गया. तो इस तरीके से मैंने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की है. आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. थैंक यू.